हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी बच्चों, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शहरियों के हकूक व फ़राइज़। तो क्या होते हैं? सबसे पहले तो हकूक हम देखते हैं कि एक शहरी के क्या हकूक हैं, यानी हकूक किसे कहते हैं। तो शहरियों के वो मुतालबात जो अपनी भलाई के लिए करते हैं, जिनको हुकूमत तस्लीम कर लेती है और उनको पूरा करती है, शहरियों के हकूक कहलाते हैं। अब हकूक जो हैं वो दो इकसाम के होते हैं, एक होते हैं इखलाकी हकूक, दूसरे हैं कानूनी हकूक। इखलाकी हकूक क्या होते हैं? यानी ऐसे हकूक जिनको माशरे में इखलाकी इकदार पर यानी कि राज किया जाता है। जिस किस्म के इखलाकी इकदार किसी माशरे में राज होंगे, इसी नोयत के अखलाकी हकूक इस माशरे के अफराद को हासिल होंगे। मसलन वालदैन की खिदमत करना उनका हक है, शौहर का हक है कि बीवी के फ़राइज़ जो है वो यानी बीवी की फरमाबरदार बने, और हकूक के अदा ना करने पर कानून जो है मुतहरक नहीं हो सकता। यानी इखलाकी हकूक भी हम एक दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं है कि कानूनी तौर पे उस पर लिए कुछ किया जा सके, हम किसी अदालत में लेके जा सकें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हम एक दूसरे को जो है वो कह सकते हैं ये हमारे इखलाकी फ़राइज़ हैं। इस तरह दूसरे नंबर पर जो आ जाता है वो है कानूनी हकूक। कानूनी वो हकूक जिन्हें रियासत तस्लीम करती है, अगर कोई इन हकूक की खिलाफ वर्जी करता है तो इसको सजा दी जाती है। यानी हकूक के पीछे रियासत की ताकत होती है। कानून जो है वो हकूक को दर्ज झैल दो अकसाम हैं। अब ये जो कानूनी हकूक हैं ये दो किस्म के हैं, कौन से? नंबर एक माशरती हकूक और नंबर दो सियासी हकूक जो हैं। अब माशरती हकूक क्या है? वो हकूक जिनके बगैर महज़ब ज़िंदगी का नामुमकिन होती है। इनकी अदम मौजूदगी में किसी जो है वो महज़ब माशरे का क्याम नामुमकिन है और वो दर्ज झैल है। कौन से हैं वो? यानी नंबर एक हक़ ज़िंदगी, यानी हर शहरी को ज़िंदा रहने का बुनियादी हक हासिल है। रहाइश का हक, शहरी को रियासत जो है शहरी रियासत के जिस हिस्से में भी वो चाहे वो अपनी रहाइश जो है वो इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा उसे हक़ जायदाद का हक होता है, यानी कि शहरी को जायदाद रखने का हक हासिल होता है। हक़ ख़ानदान, यानी हर शहरी को हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे, अपना ख़ानदान जो है वो बनाए। हक़ मुलाजमत का और कारोबार का हक होता है कि हर शहरी को अपनी मर्ज़ी से मुलाजमत पेशा या कारोबार करने का हक हासिल होता है। फिर हक़ अकीदा और मज़हब, यानी हर शख्स को अपनी मर्ज़ी का मज़हब इख्तियार करने और उसके मुताबिक चलने का और अपनी इबादत करने का पूरा हक इख्तियार होता है। फिर हक़ तहरीर और तकरीर, यानी हर शहरी को तहरीर और तकरीर की पूरी आज़ादी हासिल होती है। हक़ अंजमन साजी, अंजमन साजी मुराद है कि अपनी यानी अंजमन या जमात बनाना, यानी हर शख्स को अपनी अंजमन साजी या पहले से मौजूद जो अंजमन है उसमें शामिल होने का पूरा हक हासिल होता है। इसी तरीके से हक के ज़बान और सकाफत, यानी हर शख्स को अपनी ज़बान और सकाफत की तरक्की की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करने का पूरा पूरा हक हासिल होता है। इसके अलावा फिर हक के तालीम आ जाता है, हर शहरी को हसूल तलीम की सहूलियात हासिल करने का पूरा पूरा हक होता है। हक के मुआहदा जो है वो हर फर्द को दूसरे के साथ जो है वो कारोबार के लिए मुआहदा करने का हक हासिल होता है। और फिर आज़ादी नकलो हरकत, यानी हर शख्स जो है वो एक जगह से अपनी रियासत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सकता है, रियासत से बाहर भी अगर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जाना चाहे तो वो आ जा सकता है, उसे पूरी मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। इसके अलावा आ जाता है हक के मसावात जो है, यानी कि मसावात से मुराद है कि शहरी जो है वो कानून की नज़र में बराबर हैं और मसावी हैसियत के हामिल हैं। इसके बाद जो है हमारा ये पहला हिस्सा था, यानी हक के जो है वो उसको जो जो कानून ने जो दो किस्म के उन्हें हकूक दिए थे, माशरती हकूक थे, और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सियासी हकूक। अब सियासी हकूक क्या है? यानी जमहूरियत की बका और शहरी की सियासी नशोनुमा के लिए सियासी हकूक ज़रूरी हैं। हर शहरी को जो है वो मंजैल सियासी हकूक हासिल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? यानी सबसे पहले कि हक के रायदही। रायदही से क्या मुराद है? कि हर शहरी अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। हक के नुमाइंदगी, यानी हर फर्द को इलेक्शन में उम्मीदवार बनने का भी पूरा पूरा हक हासिल होता है। इसके अलावा हक के मनसूबा, यानी मुंतखब होने के बाद हर शहरी को जो है वो हक हासिल होता है कि वो अपना जो है सरकारी अहदा जो है वह हासिल करने का हक रखता है। इसके अलावा हक के तनकीद है, यानी हर फर्द को हुकूमत पर तनकीद करने का या अपनी राय पेश करने का पूरा पूरा हक हासिल होता है। हक के जमात है, फिर हर शख्स को किसी सियासी जमात में शामिल होने या अपनी जमात बनाने का पूरा पूरा हक हासिल होता है। हक के अर्जदाश्त, यानी हर शहरी को हुकूमत के नाम शिकायती
अर्जी भेजने का हक हासिल होता है। यानी फर्ज करो किसी शख्स को कोई मसला मसाइल है तो वो अपनी अर्जदाश्त जो है वो हुकूमत को भेज सकता है, अपनी शिकायत जो है वो बुझाने का उसे पूरा पूरा हक हासिल होता है। ये वो चार जो हकूक थे जो एक शहरी को जो है वो दिए गए हैं। यहाँ तक आज का हमारा जो टॉपिक है यानी एक शहरी के जो हकूक हैं वो हमने देखे, हकूक की अकसाम देखी। तो एक यहाँ ये टॉपिक आज हमारा जो यहाँ मुकम्मल होता है बच्चों। कल आप इसको अच्छे तरीके से देख के आएंगे, ठीक है? आज के लिए ओके, नहीं अल्लाह हाफिज़।